सत श्री अकाल दोस्तों, आप जी का पंजाबी विरसा भंधेर के चैनल उपर स्वागत है। अज आप जी नूं तख्त श्री हजूर साहब के दर्शन दीदार करवा रहे हैं। आप जी नूं नाल नाल इत्थों दे इतिहास तो भी श्रवण करवा रहे हैं। तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब नांदेड़ कलगीधर पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे लासानी जीवन दियां अंतम घड़ियां नाल संबंधित यह पवित्र अस्थान सिख पंथ के चार तख्त साहिबाना विचों एक श्रोमणी तख्त अस्थान है। दसम पिता जी दे पावन बचन हन, मैं इत्थे अपने हर सिख की 60 साल की आयु तक उड़ीक करदा हाँ। अपने पूजनीक पिता जी माता जी अते चार साहबजादियां नूं देश कौम अते धर्म की खातर कुरबान करन उपरंत औरंगजेब दे वड्डे लड़के बहादुर शाह नूं दिल्ली दे तख्त की बख्शिश करके संगतां नूं तारदे होए दशमेश पिता जी इस नांदेड़ नगरी विखे पहुँचे। गुरु जी ने इत्थे अनेकां कौतक वरताए अते परोपकार दे कारज कीते। गुरद्वारा नगीना घाट साहिब दे पावन अस्थान तों तीर चला के अपना सतजुगी तप अस्थान प्रगट कीता। सूबा सरहंद दे नवाब वजीर खां दे भेजे कातलां दे खूनी हमले उपरंत जदों आप जी ने सचखंड गमन की तैयारी की तां सिख संगतां अति व्याकुल हो गईयां। व्याकुल होईयां संगतां ने पुछया, दतार पिता जीओ सानू किस दे आसरे छड के जा रहे हो, साडी रहनुमाई कौन करेगा? तां गुरु जी ने फरमाया, असीं तुहानू धुरकी बाणी शब्द गुरु दे लड़ ला चले हाँ, जिस तों तुहानू हमेशा दे लई अध्यात्मक अगवाही दी बख्शिश हुंदी रहेगी। बिक्रमी संमत 1765 कत्तक सुदी दूज 4 अक्तूबर 1708 ईस्वी दे दिन आप जी ने 5 पैसे अते नारियल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अगे रख के मत्था टेकिया। शरदा सहित परिक्रमा लईयां अते दीवान विच बैठियां संगतां नूं मुखातिब होके फरमाया, आग्या भई अकाल की, तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभु को मिलो चहै खोज शब्द महले। उस वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा ए पवित्र हुक्मनामा आया, सूही महला पंजवां, अबचल नगर गोविंद गुरु का नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे सही फल पाए करता आप बसाया राम। करता आप बसाया सर्व सुख पाया, पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावै पूर्ण परमेश्वर कारज आया रासे। प्रभ आप स्वामी आपे रखा आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी जिन एह थान सुहाया। इस हुक्मनामे उपरंत गुरु साहिब जी ने सरबत खालसा सिख संगत नूं वचन कीता कि इस पावन पवित्र धरती का नाम अज तो श्री अबचल नगर होया। इस अवसर दे जयकारे गजाए गए अते अतुट प्रसाद अते लंगर समूह साध संगत विच वरताया गया। कत्तक सुदी पंचमी वाले दिन भारी दीवान सजिया, जिस विच रागियां ने अत प्यार नाल धुरकी बाणी दा बैरागमई कीर्तन कीता। उपरंत अतुट लंगर वरताया गया। दूर दूर तो आईयां संगतां ने गुरु जी दे नारूने दे दीदार करे अते अमृतमई बचन सुने ते हिरदे वसा के अपना जन्म सकारत कीता। गुरु जी ने एक बड़ी चंदन दी चिखा तैयार करवा के आस पास सुंदर कनातां तनवा दित्तियां अते बचन कीता कि अज असी सचखंड गमन दा कौतक करना है। डेढ़ पहर रात रहिंदी दा समा होया तां गुरु जी ने हुक्म कीता कि तुसी निर्वाण कीर्तन दी झड़ी लगाई रखनी है अते अंदर झाती नहीं मारनी। जदों गुरु जी ने संपूर्ण शस्त्र वस्त्र सजा के अरदासा सोधिया, खालसे नूं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह गजाई, तां कनात अंदर प्रवेश कर गए। उपरंत हर हर जन दुई एक है,
बिब विचार कछ नाही, जल ते उपजित रंग ज्यों जल ही बिखै समाही। गुरवाका अनुसार परम पुरख दे दास जगत तमाशा वेखण उपरंत बचित्र नाटक खेडदे होए संमत 1765 कत्तक सुदी पंचमी 7 अक्तूबर सन 1708 ईस्वी दे दिन सचखंड गमन कर गए। तख्त साहिब दी सेवा रियासत हैदराबाद दे दीवान चंदू लाल अते शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी ने अपार धन ला के करवाई अते अस्थाना नाल जंगीरां भी लगाईया। एक धरना यह भी है कि जिस समय महाराजा रणजीत सिंह जी ने हजूर साहब की सेवा करन दी इच्छा प्रगटाई तां पुजारियां ने कहा दसम पातशाह जी ने सचखंड गमन करन समय कहा सी कि साडा अंतम अस्थान कोई ना बनाए, जेड़ा बनाएगा उसका सर्वनाश होवेगा अते उसका वंश नहीं रहेगा। कहिंदे हन कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने उत्तर दिता मेरा वंश भावें ना रहे, मेरा गुरसिख होण दे नाते यह फर्ज है कि अपने गुरु दे अस्थानां दी जितनी भी हो सके वध तो वध सेवा करावां, अस्थानां नूं शोभनीक बनाउण लई हर संभव जतन करां। सो महाराजा ने तख्त साहिब दी सेवा लई चंगे तो चंगे कारीगर अते सेवादार पंजाब तो भिजवाए अते लखां रुपए ला के योग सेवा करवाई। कहिंदे हन कि महाराजा साहिब दी इच्छा 10 मंजिली इमारत बनाउण दी सी ते मजबूत नहीं रखी गई, परंतु महाराजा दा 1839 ईस्वी विच अचानक स्वर्गवास हो जाण कारण इमारत दे उपरलियां मंजिलां नहीं बन सकियां अते जल्दी विच काम पूरा करके सिंह वापस चले गए। महाराजा रणजीत सिंह जी ते दीवान चंदू लाल जी तो इलावा महाराजा नाभा अते महाराजा फरीदकोट ने भी शरदा ते प्यार नाल सेवा करके बुंगे आदि बनवाए। तख्त सचखंड श्री हजूर साहब विखे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दे शस्त्रां तो इलावा सूरवीर सिंघां दे अनेक प्रकार दे अस्त्र शस्त्र मौजूद हन। हेठ लिखे शस्त्रां दे रोजाना रात दे दीवान दी समाप्ति उपरंत दर्शन करवाए जांदे हन। एक छोटी किरपान दस्तार विच सजाउण वाली श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी, दो तीर खपरा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा, तीन तलवारां महाराजा रणजीत सिंह जी दियाँ, चार तेगां अकाली फूला सिंह जी दियाँ। सो यह तख्त श्री हजूर साहिब नांदेड़ जी का इतिहास जो आप जी ने श्रवण किया है अते आप जी का पंजाबी विरसा भंधेर की टीम तह दिलों धन्यवाद करती है। इस तरह तख्त श्री हजूर साहिब की यात्रा दियाँ होर वीडियोज़ देखने लई साडे चैनल नाल जुड़े रहो अते लाइक शेयर कमेंट जरूर करो जी। धन्यवाद।